ए बालू, तू पकड़ा गया है रे। तेरे बारे में भाई को सब पता चल गया है। कानिया बुला रहा है तुझे, चलो चल बे। ए, तुम सब लोग जाओ। ए, ए, तुम लोग जाओ, चलो बाहर चलो। क्यों भाई, तेरा कोई नहीं? नहीं भाई। और माँ? भूल गया तू? आज तो माँ का श्राद्ध है भाई। श्राद्ध मुझे बिल्कुल याद है, तभी तो सुबह उठ के मंदिर जाके माँ के नाम पर पूजा भी करवा के आया हूँ। ये लो टीका भी है। भाई नहीं, माँ की आत्मा की शांति के लिए आज तुम शराब नहीं पियोगे। ऐसा मत बोलो भाई। क्यों भाई? माँ को शराब बहुत पसंद थी। माँ को तो घर से ज्यादा शराब का अड्डा ही बहुत पसंद था भाई। हमेशा वो वहीं पड़ी रहती थी। भाई, तुमसे मिलने को किरण सेठ आए हैं दिल्ली से। किरण सेठ? भाई मैं चलता हूँ। रुको भाई। नमस्ते साहब। मैं पहले कहीं तुम्हें देख चुका हूँ। वैसे मेरे भाई जैसा है। तुम किस काम से आए हो बताओ? ऐसे ही कुछ खास नहीं साहब, महाकाली मार्केट बिकाऊ है। मुझे पता चला ठाकुर बाबा, ठाकुर बाबा ने कहा आप जितना कहेंगे उतने में हो जाएगा। आप किसी भी तरह डील करवा के मेरी हेल्प करो भाई। ठीक है, ठाकुर बाबा के दुबई से आते ही मैं उनसे बात करूंगा। तुम जाओ। बहुत अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। कहाँ देखा? कुछ याद आया तो भूल जाओ। मेरे बारे में उसे बताएगा? मेरी हिस्ट्री जानता है ना? यहाँ नजर आया तो तेरी खैर नहीं। चल भाग भाग। अरे जल्दी चलो भाई, जल्दी चलो। कैसी है? अभी नहीं, जरूरत नहीं। जाने क्यों मैं वहां चली गई थी बेटा? ठीक है, मैं समझता हूं मां, लेकिन कुछ दिन और रुको, तब देखना। अरे भाभी, ये सब कौन लाया? वो चेरी की फ्रेंड लिली की आंटी श्वेता है ना, उनके अंकल ही इस हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर हैं। 3 बार माँ को देख के गए हैं। अच्छा? वीआईपी का ट्रीटमेंट मिल रहा है हमें। हाय बालू, मैंने बताया था ना, ये वही है श्वेता। हेलो। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? पहले से बेहतर। एक्चुअली सडनली मैंने इन्हें देखा तो सोचा कहीं इनको देखा है, तो याद आया अरे चेरी से शक्ल मिलती है, बिल्कुल मम्मी पे गया है। तब मैंने चेरी की मम्मी होगी सोच के इंक्वायरी की, तो असली बात सामने आई। आप चिंता मत कीजिए आंटी, यहाँ पर आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। थैंक यू बेटी। तुम क्या करती हो? विजुअल कम्युनिकेशन का कोर्स किया है। फर्दर स्टडीज के वास्ते अमेरिका जाने की सोच रही थी मैं, लेकिन अब सब कुछ छोड़ के इतनी दूर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। माँ, मैं जरा डॉक्टर से मिल के आता हूँ। मैं चलती हूँ आंटी, बाय। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। सॉरी। किस लिए? मैंने फोन तोड़ा था इसलिए। वैसे मुझे बहुत बुरा लगा था। आप चाहे तो लिली से पूछ सकते हैं। मुझे क्या मालूम? हाँ एक्चुअली इसे भी क्या मालूम, इतना फील हुआ मुझे कि उस रोज से आज तक कुछ नहीं तोड़ा मैंने। आखिर मैंने ऑमलेट खाना भी छोड़ दिया। क्यों ये नहीं पूछेंगे आप? क्यों? क्योंकि अंडा भी तोड़ना पड़ेगा ना। बाय बाय। Thank you.
चल। ए, बाहर आ जा। ए, क्या हुआ? कौन है तू? ठाकुर बाबा को ही मारना चाहता था, तेरी इतनी हिम्मत? तो मेरी बात समझ गए होंगे ना, एयरपोर्ट पर जब गया तो पता चला कि आपकी गाड़ी में किसी ने बम लगाया, इसीलिए आपको बचाने के लिए यहाँ तक आ गया मैं। झूठ मत बोलो। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तुम पुलिस वाले हमेशा सबको शक की निगाहों से देखते हो, बचाने की कोशिश नहीं करते। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बालू है भाई, मेरा दोस्त है, तेज धार है। इसे देखते ही लगता है ये रमणा गैंग का काम हो सकता है। आजा। जप। जप। बालू तुम इधर आओ। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, मेरे दिल की तसल्ली के लिए तुम ये जाम पियो। कोई बात नहीं, रहने ले लो बालू। कोई बात नहीं, लो ना बालू। तुम्हारे दुबई के काम का क्या हुआ? काम हो गया। महाकाली मार्केट मैंने एक को बेच दिया, 200 करोड़ रुपये। क्या? कौन है वो खरीदार पता है? खान। खान? दिल्ली अंडर वर्ल्ड डॉन खान। वो तो तिहार जेल में कैद था ना, बेल पर बाहर आकर दुबई चला गया। पासपोर्ट कैसे मिला? उसी का नाम खान है, दुबई में छोटा बिजनेस है उसका। खान के सामने हम सब बच्चे हैं, छोटे बच्चे। फिर महाकाली मार्केट का क्या करेगा वो? पुरानी यादें, खान यहीं का रहने वाला है। महाकाली मार्केट पूरी तरह से तुड़वा के वहां पे एक बहुत बड़ा मॉल बनाने की सोच रहा है। संभाल के ठाकुर बाबा, ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप इतनी फायदेमंद नहीं होती, वेरी डेंजरस। बेवकूफों की तरह तुम बातें करना छोड़ के सीरियसली कार में बॉम्ब किसने रखा इसका पता करो। भाई 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 भाई, क्या बात है बालू? भाई आज का पेपर देखा आपने? किसी राजेश्वरी जी ने महाकाली मार्केट की जमीन वर्कर्स के नाम रजिस्ट्रेशन करवाई है, ऐसा विज्ञापन दिया है। राजेश्वरी फिर दोबारा इस शहर में आ गई? हाँ नारायण, पेपर देखा तो? हाँ देखा। क्या है ये सब? तुम फिकर मत करो, जब तक डॉक्यूमेंट्स तेरे पास है कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है भाई, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। क्या है बोल। एक महीने से आप शहर में नहीं थे, और महीने भर में इस शहर में पता नहीं क्या क्या हो गया। जब आप वापस शहर में आए तो आपकी कार में किसी ने बॉम्ब रखा, और अब राजेश्वरी देवी के नाम पर विज्ञापन दिया है। ये सब कुछ देखते हुए वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास सेफ है या नहीं मुझे डाउट हो रहा है भाई। ऊपर से वो खान भाई ने खरीदा है, खान भाई बहुत डेंजरस आदमी, ऐसा डीसीपी साहब कह रहे थे। आप एक बार डॉक्यूमेंट सेफ है या नहीं देख लेते तो बहुत अच्छा होता भाई। तुम यहीं रुको। हाँ? किसी को अंदर मत आने देना। ठीक है भाई। अंदर क्यों आए भाई?
आपका फोन है। हेलो, लाइन पर तो कोई नहीं। रिंग रिंग बजी तो थी। ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम बाहर जाओ। जी। हाँ नारायण। ठाकुर बाबा, वो साला बालू कहाँ है? क्यों? उससे होशियार रहना तुम। तुम्हारी कार में बम उसी ने रखा था, अभी पता चला इन्वेस्टिगेशन के बाद। ए, कौन है बे तू? राजेश्वरी का बेटा हूं। यहाँ क्यों आए हो तुम? तेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसके पास, उन पर तेरे दस्तखत के वास्ते, महाकाली मार्केट की जमीन के वास्ते, शंकर राम जी के वादे को पूरा करने के वास्ते। इतना सीरियस हो के तुमने विश्वास जीता मेरा? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। Thank you.